हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक वर्ल्ड 11। डीएम की करंट एनर्जी जानते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, रीडिंग शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी, करंट एनर्जी तो यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी डीएफ चाहिए। इस एनर्जी में है वो। ये दोनों कार्ड्स इसी को दिखाते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। फुल डिसाइड कर चुके हैं कि उनको डिवाइन फेमिनाइन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो इस एनर्जी में है। पैशनेट है डीएफ के लिए काफी, एंड चीजें प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए चीजों को। अब उनको दुनिया की या किसी की फिक्र नहीं है, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ उनके माइंड में अपनी डीएफ के लिए ही है फीलिंग्स। तो वो बाकी चीज़ों को भूलना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनको सोसाइटी का या किसी चीज़ का उनको डर नहीं है। उनके माइंड में एक ही चीज़ है, वो है उनकी डीएफ विश। सिर्फ यही एक विश है कि डीएफ को सारी खुशियाँ दिया जाए। उनको लगता है कि आपकी एनर्जी जा रही है। उनको सोल मर्जिंग हुई है जिनकी, उनकी तो ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन आप नाराज दिख रहे हैं थोड़ा, लाइक कम्युनिकेशन के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। क्योंकि आप चाहते हो कि उनकी पूरी हीलिंग हो, इसलिए उसके नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी जो भी है उसको अपने लाइफ से निकालने के लिए रेडी हैं वो। उनको अभी कार्मिक की फिक्र नहीं है, उनको रियलाइज हो रहा है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उनको गाइड कर रही है वहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी गाइस, घर में गेस्ट हैं तो धीरे बोल रही हूँ। एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं। अटैचमेंट, द टेंपल पाथ, काफी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कॉर्नोकोपिया, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको बहुत जल्दी। आपके जो इतने हार्ड वर्क थे ना ये पूरी जर्नी का, उसको उसका फल मिलने वाला है। ये देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप हील होते जा रहे हो, साथ में अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी हील करते जा रहे हो।
आप दोनों एनर्जी को एक साथ संभाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अर्थ को नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, वो मदर अर्थ होती हैं। तो जैसे नेचर सुंदर होता है ना, वैसे उनका दिल भी बहुत सुंदर होता है, वो खुद के साथ दूसरों को भी हील करती हैं। टेम्पल पाथ, अब डिवाइन गाइड कर रहे हैं हर जगह पे दोनों को, डिवाइन मैस्कुलिन को और डिवाइन फेमिनिन दोनों को गाइड कर रहे हैं। ये जो जर्नी में जो चीज़ें हैं ना, वो फ्लो में स्टेज बाई स्टेज होती जाती हैं। उसमें हमें सिर्फ डिवाइन की बातें सुननी होती है और उनको फॉलो करना होता है, समझना होता है उन चीज़ों को कि क्यों हो रहा है। अटैचमेंट, एनर्जी जो है दोनों की इक्वल है, बैलेंस हो रही है। जैसे आप फील कर रहे हो ना, वैसे वो भी फील कर रहे हैं। तो काफ़ी किसी ने, व्यूअर ने मेरा पूछा भी था कि हीलिंग मतलब कैसे करना है, जो प्योर सोल कैसे बनना है। तो यही बोलूँगी कि जब भी आपको कोई ट्रिगर करे ना, तो आपको बैलेंस्ड रखना है, रहना है। जैसे कि वो आपके गुस्से को ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं करना, आप क्योंकि आप और वो सेम नहीं है, आप अगले लेवल पे हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। तो आपको उस जगह पे ट्रिगर नहीं होना। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो हमें झेलना है, अपना डिसीजन अपनी लाइफ का खुद लेना है, ये दिमाग में रखिए। लेकिन अगर कोई ट्रिगर कर रहा है तो उस जगह पे आपको रिएक्ट नहीं करना, कामली हैंडल करना है सिचुएशन को। ऐसे जहाँ 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 आप ट्रिगर होते हैं ना, उस जगह पे हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब आपको प्योर सोल तभी बन पाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें महीने लग जाते हैं या हफ्ते लग जाते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना टेस्ट करते हैं, जो इस जर्नी में होते हैं ना उनको टेस्ट दिया जाता है, फिर उनको गाइड करते हैं। पहले टेस्ट रखते हैं कि आप ट्रिगर हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपके डीएम के थ्रू करते हैं, किसी और के थ्रू करते हैं, कार्मिक के थ्रू करते हैं, तो देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। टेस्ट हुआ जाता है और हर टेस्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो ये बॉटम ऑफ द डेक, ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट इसलिए क्योंकि आप दोनों अलग हो, इसलिए ये उनकी करंट एनर्जी है। वो इमोशनली, फिजिकली, कार्मिक के साथ भी डील कर रहे हैं, इमोशनली भी काफ़ी आपके साथ जो उनको गैप फील होता है। अब वो एग्जैक्टली इस जर्नी को समझते नहीं हैं, तो उनको तो डिस्टेंस महसूस होता है, आपको तो नहीं होता क्योंकि आप सोलफुली कनेक्टेड हो, पर उनको ये डिस्टेंस महसूस होता है। तो वो इमोशनली आपको लेकर थोड़े वरीड हैं, एंड कार्मिक को भी डील कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है जर्नी में, अच्छे के लिए हो रहा है, ये एक लेसन्स है उनके लिए, उनको उनके सोल को प्योर किया जा रहा है और कुछ नहीं। सेकेंड चक्र आर्च एंजल आपके साथ हैं एरियल, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। करंट एनर्जी तो यही है, साइकिक से देख लेते हैं और फिर गॉड्स गाइडेंस। ठीक है, धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, आपकी विक्ट्री सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली, बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम इस जर्नी के। फर्टिलिटी, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके माइंड को, सोल को, हर जगह को प्रोटेक्ट कर रही है, कहीं एंजल्स आपके साथ हैं, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल हार्वेस्ट, जो आप अभी लगा रहे हो ना काम पे, उसके रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी मिलेंगे, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को की सुने, किसी और की नहीं सुना। कोई भी काम करने से पहले इंट्यूशन को सुनिए कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि इंट्यूशन ही काम आता है इस जर्नी में ज़्यादातर। फिर से वही कार्ड्स आए हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखा, दोनों मिलेंगे, दोनों, एक नहीं। यही स्पेशलिटी है इस जर्नी का कि दोनों चीज़ मिलता है, मटेरियल भी मिलता है, स्पिरिचुअल भी मिलता है।
जल्दी से गॉड्स गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो आप ये सोच रहे हो ना, इनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है डे टू डे लाइफ में। कोई भी आपको ट्रिगर करे या कोई भी आपको कुछ भी करे, आपको गुस्सा नहीं होना है। कम्युनिकेशन इज द की। टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करिए, बाकी लोगों से भी प्यार से पेश आए। आपका काम है दूसरों को हील करना, ट्रिगर होकर अपने आप को हर्ट करना नहीं। अपने आप को इसीलिए पहले क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए क्योंकि आप सोलफुली हील हो जाओगे ना, तो दूसरों को कोई ट्रिगर करेगा ना, आप ट्रिगर नहीं हो सकते। आप पीसफुली हैंडल करोगे सिचुएशन को। इस जर्नी में काम रहना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर अपना अपना अपनी डिसीजंस खुद लेना है, वो किसी और के हाथ में नहीं सौंपना। अपने लिए प्रैक्टिकली जहाँ पे आपको लोग स्टैंड लेना है वहाँ पे लेना है, पर बिना गुस्सा किए। माइंड स्ट्रांग रखना है, चिल्ला कर नहीं। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। प्राइड, जेलसी, सारी चीज़ों को तो दफना दीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पूरी जितनी भी बॉडी के अंदर प्योर सोल ऐसे ही बनते हैं। टाइम अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज कर दीजिए। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो सोचिए कि हम मेरी जर्नी के बेनिफिट्स के लिए हुआ, उनकी वजह से आप आज इतनी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा हुआ है इसका। आपने सोचा कि अरे मेरी ज़िंदगी रुक गई, बंद हो गई, पर देखिए उसकी वजह से आप कितना आगे बढ़ रहे हो। अगर वो सब नहीं होता तो आप स्पिरिचुअली अवेकन भी नहीं होते। तो पहले चेक करिए कि आप अवेकन, पहले चेक कर लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। ऐसे ही फॉलो नहीं करो, पहले चेक कर लो, साइंस देखिए। उसके बाद अवेकन जो होते हैं ना, वो प्रोसेस भी चलता है। जब आप सोल पर्जिंग होती है, इसमें कई बार आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको रोना आता है, फिर आप नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांग बन के आते हो। जब कोई ट्रिगर करता है तो बिल्कुल ट्रिगर नहीं हो गए ना, उस स्टेज पे जाना है। यूनिवर्स टेस्ट करेंगे आपको, तो सारे टेस्ट में पास होना है आपको। आपको लगेगा कि जो बंदा या बंदी है वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते, वो यूनिवर्स करवा रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि आप कितने एनर्जेटिक हो, कितने हैप्पी हो, कितना आपका हीलिंग हुआ है प्रोसेस। तो जो कार्मिक है ना, वो हमारी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद कर रहे होते हैं हमें ग्रो होने में। तो उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। ओके, इसलिए नेगेटिविटी मत रखिए बिल्कुल भी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड तो आप खुद ही हो, आपके अंदर ही होगा रिवॉर्ड। तो यही है आज की करंट एनर्जी आपकी, आपकी डीएम की। तो होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। बाय, टेक केयर।